टेंथ का ट्रिगोनोमेट्री है, टेंथ के मैथ एनसीईआरटी से, और ट्रिगोनोमेट्री 19 पार्ट में थ्योरी पढ़ाए हैं, 20वां पार्ट से हम एक्सरसाइज चालू किए हैं, उसमें भी पहले प्रश्नावली 8.3, इसके आगे पढ़ाएंगे 8.2, फिर पढ़ाएंगे 8.1, इसके बाद 8.4, ऐसे करके बतलाएंगे। तो एक बात बतला दे, ध्यान दो, जैसे मान लो ये कोई समकोण त्रिभुज है, ए बी सी कोई समकोण त्रिभुज है, तो ये 90 डिग्री है, समझ गया। ये कोण मान लो 40 डिग्री है, तो ये कोण कितना होगा, 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, 50 डिग्री। अगर हम लोग लिखते हैं इस कोण के लिए साइन 40 डिग्री, समझा, या कोण नहीं दिया हुआ है, मान लो दिया हुआ है, अगर 40 डिग्री दिया ही हुआ है, तो ये कौन सा कोण है, कोण बी है, तो लिख सकते हैं साइन बी बराबर, बी का मान कितना है इस कोण का, 40 डिग्री, साइन 40 डिग्री। तो ध्यान से देखो, साइन के आगे या कॉस या टेन के आगे कोण लिखा रहता है ना जी, तो ये कोण बी जो है ये 40 डिग्री है। अगर मान लो ये अल्फा है, तो लिखेंगे साइन अल्फा, ये कोण अल्फा है, तो साइन अल्फा, अल्फा का मान कितना है बोलो, ये है 40 डिग्री, तो 90 माइनस 40 50 डिग्री, तो हम लोग लिखेंगे अल्फा का मान 50 डिग्री है, तो ये अल्फा का मान है 50 डिग्री। तो अगर ऐसी स्थिति रहे, तो हर हाल में 50 डिग्री के पहले भी साइन है, अल्फा के पहले साइन है, तो सीधे कोण बराबर कोण लिख सकते हो, इसीलिए लिखेंगे अल्फा बराबर 50 डिग्री, समझ रहे बात को, इसको अच्छी तरह सीख लो, ये काम आने जा रहा है। मान करके चलो, अगर लिखना कहीं पर लिखा रहे साइन ए प्लस बी बराबर साइन 90 डिग्री, तो कोण क्या है, तो साइन या कॉस या टेन या कॉस एक सेक कॉट के आगे में तो कोण लिखा रहता है, तो साइन के आगे में ये ए प्लस बी कोण है, कोण ए अब जितना हो, कोण बी जितना हो, दोनों जोड़ देंगे, तो ए प्लस बी के पहले साइन है और 90 डिग्री के पहले साइन है, तो ऐसी स्थिति में तू कोण के पहले वाला हूबहू मिल जाए, जैसे 90 डिग्री के पहले साइन मिल गया और ए प्लस बी के पहले साइन मिल गया, इसका अर्थ है ये दोनों कोण का योग लिख सकते हैं, इसीलिए ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, समझा। फिर मान लो कहीं पर लिखा रहे कॉस ए बराबर कॉस बी, तो आगे वाला तो कोण रहता है, तो ये ध्यान देना है ए के पहले कॉस है, बी के पहले कॉस है, इसका मतलब कोण बराबर कोण होगा, लिख सकते हैं इसीलिए कोण ए बराबर कोण बी, समझ रहे हो। कहीं पर लिखा रहे टेन अल्फा बराबर टेन थीटा, ये कहीं लिखा रहे, तो अल्फा के पहले वाला मिल रहा है टेन है, थीटा के पहले वाला टेन है, तो जब कोण के पहले वाला ज्यामितीय अनुपात मिल जाए, तो कोण बराबर कोण कर सकते हैं, लिखेंगे इसीलिए अल्फा बराबर थीटा, समझा। अगर ऐसा दिया रहे साइन अल्फा बराबर कॉस थीटा, तो देखो तो थीटा भी कौन है, अल्फा भी कौन है, लेकिन थीटा के पहले कॉस है, अल्फा के पहले साइन है, तो इसमें नहीं अल्फा बराबर थीटा करना है, कारण कौन के पहले वाला नहीं मिल रहा है, मिल रहा है नहीं मिल रहा है, यही अगर मान लो रहता
कॉस अल्फा बराबर कॉस थीटा, तो ये कोण के पहले कॉस मिल गया, अल्फा कोण के पहले कॉस मिल गया, तब लिख सकते थे, इसीलिए अल्फा बराबर थीटा। समझा बात को? अब आंसर तीन, यदि टेन टू ए बराबर कितना दिया हुआ है, कॉट ए माइनस 18 डिग्री, कॉट ए माइनस 18 डिग्री कहता है। टू ए एक न्यून कोण है, न्यून कोण 90 डिग्री से छोटे कोण को कहते हैं ना। तो यहाँ पर ए का मान ज्ञात करना है, ए का तो अभी तुरंत बतलाए हैं, ये 2a, a का वैल्यू मान लो अगर 40 डिग्री है तो 40 दूनी 80 हो गया, यानी 10 80 डिग्री, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ 2a के पहले 10 है और इस कोण के पहले कॉट है, तो हम लोग नहीं हटा सकते हैं, नहीं ना हटा सकते हैं। अगर ये कंडीशन रहता टेन 2a बराबर कॉट, कॉट नहीं 10 में ही रहता, 10 मान लो a माइनस 18 डिग्री ही रहता, तो ये कोण के पहले ये मिल रहा है, इस कोण के पहले ये मिल रहा है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते थे 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री, समझ रहे हैं बात को। तो ऐसा प्रॉब्लम जहाँ भी आवे तो बराबर के आगे वाला जो ज्यामितीय अनुपात है, जैसे यहाँ कॉट है और बराबर के पहले 10 है, तो दोनों में से एक को समान कर दो तब ना हटाओगे, कोण के पहले समान पद होना चाहिए, एक ही समान ज्यामितीय, ये ज्यामितीय त्रिकोणमितीय अनुपात होना चाहिए। तो अब फार्मूला याद करो, फार्मूला क्या है, या तो इसको हम लोग 10 में बदल लें, कॉट को हम लोग 10 में बदल लें, या 10 को ही कॉट में बदल लो, तो फार्मूला होता है 10 अल्फा बराबर कॉट 90 डिग्री माइनस अल्फा। तो अल्फा के जगह अगर मान लो हम 2a दे, 10 2a, अल्फा के जगह 2a दे दिए, ध्यान दो, बराबर कॉट 90 डिग्री माइनस अल्फा के जगह क्या देंगे, 2a, मतलब ये देंगे। निष्कर्ष ये है, बराबर के पहले वाला को तू कॉट में बदल लो, या बराबर के आगे वाला कॉट को तू 10 में बदल लो, दोनों में से एक काम करना है, ताकि कोण के पहले वाला मिल जाए, 2a के पहले यहाँ 10 है और इस कोण के पहले कॉट है, तो नहीं हटाएंगे, हूबहू मिलता तब न हटाते। तो फार्मूला के अनुसार जैसे 10 अल्फा बराबर कॉट 90 डिग्री माइनस अल्फा होता है, यहाँ अल्फा के जगह क्या दिया है, 2a, तो मान लो 10 2a, तो कॉट 90 डिग्री, अल्फा के जगह 2a है, तो यहाँ अल्फा के जगह क्या देंगे बोलो, 2a देंगे। तो हम लोग देखो 10 2a को कॉट के रूप में बदल लिए, बराबर के आगे कॉट है, समझ रहा है ना। तो पहली विधि, क्योंकि 10 2a बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री, और फार्मूला के अनुसार अल्फा के जगह 2a है, तो यहाँ 2a रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये होगा अल्फा के जगह, देखो 2a, ये नहीं, अल्फा के जगह 2a रखे हैं, तो ये होगा, ये होगा ना 10 अल्फा बराबर कॉट 90 डिग्री माइनस अल्फा, तो 10 2a बराबर कॉट 90 डिग्री माइनस 2a, नहीं समझ रहे हो तो बोलो, तो 10 2a के जगह क्या रखेंगे, कॉट 90 डिग्री माइनस 2a, कॉट 90 डिग्री माइनस 2a बराबर दिया हुआ है कॉट a माइनस 18 डिग्री। अब देखो मिल गया, कोण के पहले कॉट है, यहाँ भी कोण के पहले कॉट है, इसका मतलब अब ये त्रिकोणमितीय अनुपात को हटा दो कॉट को,
फिर लिखेंगे और अगर काउट के जगह दूसरा रहता तब नहीं हटाते, बतलाएँ अभी इसको अच्छी तरह याद रखना। तो अब क्या हो जाएगा, और 90 डिग्री माइनस 2a ये बराबर ये a माइनस 18 डिग्री, समझ गया, ये तो इक्वेशन है। और 90 डिग्री माइनस 18 को बराबर के पहले लाएंगे प्लस 18 बराबर a, माइनस 2a को आगे ले जाएंगे तो प्लस 2a होगा ना। 90 18 108 डिग्री a 2a 3a, यानी हमको आया 3a बराबर 108 डिग्री, इसीलिए a बराबर 108 डिग्री बटा 3, 36 या 108 यानी 36 डिग्री, इसीलिए a बराबर 36 डिग्री आंसर। बोलो समझा, ऐसा भी तो कर सकते हैं, इसको 10 को जो हम लोग कॉट में बदले हैं, दाई और कॉट है इसीलिए 10 को कॉट में बदले, ऐसा भी कर सकते हैं, इसी कॉट को इधर 10 है तो 10 में बदल दो, समझा। तो दूसरी विधि देखो, 10 2a बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री, हम लोग 10 को कॉट में पहली विधि में बदले थे, दूसरी विधि में काउट को 10 में कैसे बदलेंगे, जैसे देखो ध्यान से देखो, बात है छोटी समझ गया तो, नहीं समझेगा तो गणित भारी होने लगता है विद्यार्थी को नहीं समझने पर। इसको हम लोग 10 के रूप में कैसे बदलेंगे, तो याद रखना फार्मूला तो होता है काउट अल्फा बराबर 10 90 डिग्री माइनस अल्फा। अब ध्यान दो तो अल्फा के बदले काउट के आगे, जैसे यहाँ अल्फा है, यहाँ काउट के आगे a माइनस 18 डिग्री है, तो a माइनस 18 डिग्री अल्फा के जगह आ जाएगा, हाँ, तो इस ये हो गया काउट अल्फा के जगह a माइनस 18 डिग्री बराबर, ये तो फार्मूला होता है जिसको साबित कर दिए हैं। 10 देखो 90 डिग्री बड़ी कोष्ट इसीलिए देंगे जो 90 डिग्री अल्फा का मान जो है, अल्फा के बदले a माइनस 18 दो पद में आया है, तो दो पद में जब ये आएगा तब ये कोष्ट दो, अगर नहीं दोगे तो जैसे यहाँ लिखोगे a माइनस 18 डिग्री, ये गलत है, क्यों गलत है, तो 90 में से a घटाओ, a कोण का जो मान हो तब जो बचेगा उसमें से 18 घटाओ, जबकि ये दोनों a में से 18 घटाकर जो बच रहा है इसको घटाना है 90 में से, समझा। तो यहाँ पर हम लोग कोष्ट दे देंगे। अब देखो ध्यान से देखो, अल्फा के लिए है a माइनस 18 डिग्री, तो 10 90 डिग्री अल्फा, अल्फा कितना है a माइनस 18 डिग्री, है ना। या और ढंग से समझने के लिए इसको ऐसे समझो, फार्मूला होता है कॉट अल्फा बराबर 10 90 डिग्री माइनस अल्फा, होता है ना, हम लोग को इस कॉट में a माइनस थीटा को माना कि a माइनस 18 डिग्री बराबर थीटा मान लो, समझा। तो इसको क्या लिखेंगे, 10 2a जो दिया है बराबर काउट a माइनस 18 को थीटा माने हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, काउट थीटा लिखेंगे। अब इससे पहले 10 को हम लोग कॉट में बदले थे, अब 10 को रहने देना है, कॉट को 10 में बदलना है, तो कॉट थीटा को हम 10 में बदलेंगे तो कितना होगा, तो फार्मूला होता है कॉट अल्फा, यहाँ देखो कॉट अल्फा बराबर 10 90 डिग्री माइनस अल्फा, होता है ना, तो यहाँ अल्फा के जगह यहाँ थीटा दे दो, तो यहाँ अल्फा की जगह थीटा होगा, अब थीटा हम लोग किसको माने हैं, a माइनस 18 डिग्री को माने हैं, तो इसको समझा क्या कहना चाहते हैं, तो
काउट को 10 के रूप में लिखना है, तो कितना हो जाएगा, और 10 2a बराबर काउट अल्फा बराबर 10 90 डिग्री माइनस अल्फा, तो काउट के लिए हो जाएगा 10 और तब 90 डिग्री माइनस अल्फा, तो 90 डिग्री माइनस अल्फा, यानी इसको अल्फा मान लेंगे, तो कॉट अल्फा बराबर 10 90 माइनस अल्फा, तो अल्फा का मान दो पद में है, पहला है ए, दूसरा है माइनस 18 डिग्री, तो दो पद में रहे तो छोटी कोस्ट देंगे ही, ऐसे पहले छोटी कोस्ट को बड़ी कोस्ट में बदल दो, समझ रहा है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ए माइनस काउट अल्फा बराबर 10 90 डिग्री माइनस अल्फा, अल्फा की जगह ए माइनस 18 डिग्री है, तो ए माइनस 18 डिग्री होगा, बोलो समझा। अब देखो तो बराबर के पहले 2a कोण है, तो इसके पहले 10 है, और इतना कोण के पहले 10 है, तो अब दोनों जगह 10 आ गया, बराबर के पहले भी बराबर के आगे भी, तो 10 को हटा देंगे, तो लिख सकते हैं और 2a बराबर 90 डिग्री माइनस ए माइनस 18 डिग्री, बड़ी कोस्ट दो न दो कोई अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन छोटी कोस्ट कायम रहेगा जब तक नहीं तोड़ेंगे, समझा ना। अब इसको हल करेंगे तो कितना होगा, 2a बराबर 90 डिग्री माइनस, यहाँ पर प्लस छिपा है, माइनस प्लस माइनस ए माइनस माइनस प्लस 18 डिग्री, और 2a माइनस ए को पहले लेंगे तो प्लस ए 90 डिग्री 18 डिग्री 108 डिग्री होगा, और 3a बराबर 108 डिग्री, इसीलिए a बराबर 108 डिग्री बटा 3 बराबर 36 डिग्री, इसलिए a बराबर 36 डिग्री आंसर। तो दोनों विधि से अच्छी तरह समझा। आंसर चौथा देखो, दिया हुआ है कि 10a बराबर cot b, तो हमको साबित करना है a प्लस बी दोनों कोण का मान 90 डिग्री है, तो ऐसी स्थिति में 10 को या तो तू cot में बदल दो या cot को 10 में बदल दो, दोनों और एक समान कर देने से त्रिकोणमितीय अनुपात को हटा देंगे, कोण को बराबर कर देंगे, तो 10 अल्फा बराबर काउट 90 डिग्री माइनस अल्फा, तो इसीलिए 10 ए बराबर काउट 90 डिग्री माइनस ए होगा, बराबर ये काउट रहने ही देंगे, काउट बी क्यों रहने देंगे, क्योंकि बराबर के पहले देखो काउट आ गया, बराबर के आगे भी काउट है, अब इस काउट को हटाया जा सकता है, तो इसको हटाने पर हो जाएगा और 90 डिग्री माइनस ए बराबर कोण बराबर कोण, यानी 90 डिग्री माइनस ए बराबर बी, और 90 डिग्री बराबर ए आगे चला जाएगा तो माइनस ए प्लस ए हो जाएगा, ये तो प्लस बी है ही, इसीलिए ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री प्रूव्ड, यानी साबित करना था। दूसरी विधि, पहली विधि में हम लोग 10 को cot में बदले हैं, दूसरी विधि में cot को 10 में बदल देंगे, तो दिया हुआ है क्योंकि 10 a बराबर cot b और 10 a cot अल्फा बराबर 10 90 डिग्री माइनस अल्फा, तो अल्फा के जगह b है तो 10 90 डिग्री माइनस बी होगा ना। अब देखो बराबर के पहले भी 10 आ गया, बराबर के आगे भी 10 है, इसलिए कौन बराबर कौन कर देंगे, तो लिख सकते हैं और a बराबर 90 डिग्री माइनस बी, इसीलिए a माइनस बी इधर आएगा तो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री प्रूव्ड, यानी साबित हो गया।
कहीं कोई समझने में प्रॉब्लम नहीं ना, तो अगले पार्ट में ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा।